जीभ काटने सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहते। और अगर आज संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्या की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है क्या? रामचरितमानस की चौपाई को लेकर के विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में हैं, लेकिन वो अपने विवादास्पद बयान पर कायम है। कहते हैं कि पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज उससे भी ज़्यादा बढ़ करके इन्होंने एक और बयान दे दिया है। दरअसल जैसे ही उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई को लेकर के सवाल उठाए, वैसे ही अलग अलग कोनों से आवाज़ उठने लगी। उसी में बीजेपी के नेता हैं कर्ण सिंह, उन्होंने जुबान काटने पर 10 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया। उसी पे आज स्वामी प्रसाद भड़के हैं और सुनिए उन्होंने क्या कह दिया है। लोगों ने भी जीप काटने का फरमान जारी किया, सिर काट लाने वालों को इनाम देने की बात की, वो सभी संत महंत धर्माचार्य में से ही कोई है या एक जात विशेष के लोग हैं। अगर यही बात जीभ काटने सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहते। और अगर आज संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्या की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर वो संत होते, महंत होते, धर्माचार्य होते, सही में धर्म में विश्वास होता तो जीभ काटने और सर काटने का फरमान जारी नहीं करते। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के अकेले कर्ण सिंह ने नहीं बल्कि और भी कई संगठनों के नेताओं ने ऐसे ही बयान दिए थे। उसी पर वो ये कह रहे हैं कि यदि किसी दूसरे मजहब के किसी व्यक्ति ने ये बात बोली होती तो उसे तत्काल आतंकवादी करार दे दिया गया होता। तो क्या ऐसी बातें करने वाले, जीभ काटने वाले, सिर काटने की धमकी देने वाले जल्लाद नहीं है या इनको आतंकी नहीं कहना चाहिए? इस तरीके की भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी इनके बयान से पहले ही किनारा कर चुकी है और कह रही है कि ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी विचार है। खबरें ये भी आई कि अखिलेश यादव नाराज हैं, लेकिन अखिलेश यादव की नाराज़गी का स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कोई असर नहीं है। नाराज हैं भी या नहीं है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने इस मामले में कुछ नहीं कहा है। शिवपाल यादव ने जरूर कहा कि हम राम और कृष्ण को के आदर्श को मानने वाले लोग हैं और ये स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना बयान है, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी कुछ नहीं कहा, ना कोई एक्शन लिया है। और उसके बाद से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जब 2022 विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने पाला बदल करके समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, तब 85 और 15 का नारा दिया था, यानी कि 85% दलित और पिछड़े और 15% अगड़े। और स्वामी प्रसाद मौर्य अपना ही विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए तो इन नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? इन्हें जिससे वोट मिल रहा हो, चाहे वो रामचरितमानस, भागवत गीता या और किसी हिंदुओं के सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथ को अपशब्द कहने से वोट मिल रहा हो तो ये वो भी कर लेंगे। इन्हें तो सिर्फ वोट की फसल काटनी है, चाहे जो कहलवा लीजिए। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।